श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 14। आपन्ना संस्कृति घोरा जन्नाम विवशो घृणान तो सद्यो विमुच्येता जत् विभेति स्वयं भयम् आपन्ना संस्कृति घोरा जन्नाम विवश गृह्णान् तो सद्यो विमुच्येता जद् बिभेति स्वयं भयम् शब्द अनुवाद आपन्नः दुखरे पड़िथिबा संस्कृति जन्म मृत्यु चक्र रे घोरां जड़ जटिल जत जहांक नाम अद्वय नाम बीवशः अज्ञात सार रे गृणन उच्चारण करिवा ततः शथिरु सद्यः संग संगे विमुच्येता स्वतंत्र हेवा जत जहा विभेति भय स्वयं व्यक्तिगत भावे भयम साक्षात भय अनुवाद भावार्थ शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपादंक द्वारा अनुवाद जन्म मृत्यु चक्र रे घुरुथिबा जीव भगवान श्री कृष्णंकर पवित्र नाम को अज्ञात सार रे उच्चारण कले सुद्धा तत्क्षणात जन्म मृत्यु चक्र रु मुक्त हो पारे कारण तांक नाम रे साक्षात भय मध्य भयभीत हो जाए। भावार्थ वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण समस्तंकर परम नियंत्रणकारी अटंती ए सृष्टि रे एपरी केही नाही जे सर्वशक्ति मानंक क्रुधरे भयभीत न होउछि। रावण हिरण्यकशिपु कांस एवं अन्य असुर माने जो माने अत्यंत बलशाली थिले से माने समस्ते भगवानक हाथरे मरिछंती। पुनश्च सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव निज नाम को निज शक्ति रे समन्वित करी नेइछंती। प्रत्येक वस्तु तांक स संबंधित एवं प्रत्येक वस्तु को ताक संबंध रे चिन्हिबो। एठारे कुआ जायछि जे भगवान श्री कृष्णकर नाम साक्षात भय को ही भीतस्त्रत कराए। एथरु परिष्कार भाव रे जणा पडुछि जे कृष्ण नाम कृष्ण ठारो अभिन्न अटे। अभिन्नत्वान नाम नामिनः एति पै कृष्णंक तुल्य अशक्तिशाली सेमाने क मध्यरे कृष्ण और कृष्णंक नाम मध्यरे कौनसी प्रभेद नाही। तेणु जे कौनसी व्यक्ति महान विपद मध्यरे भगवान श्रीकृष्णंकर पवित्र नामर लाभ उठाई पारे एपरिकी श्रीकृष्णंकर दिव्य नाम अवस्था चक्र रे पड़ी बा दुर्घटना रे पड़ी अज्ञात सार रे उच्चारण कले सुद्धा ता व्यक्ति को जन्म मृत्यु चक्र उद्धार करे। आपन्न संस्कृति घोरा जन्नाम विवश गृह्णन् ततो सद्यो विमुच्येता जत विभेति स्वयं भयम् जन्म मृत्यु चक्र रे घुरुतबा जीव भगवान श्री कृष्णंकर पवित्र नाम को अज्ञात सार रे उच्चारण कले सुद्धा तत्क्षणा जन्म मृत्यु चक्र रो मुक्त हो पारे कारण तांक नाम रे साक्षात भय मध्य भयभीत हो जाए। वर्तमान आज आमी माने श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 14 पाठ कीर्तन श्रवण करुचु। विशेष करी आमे माने प्रथमे अशेष धन्यवाद ज्ञापन करिबा एई हरिनाम सप्ताह रो जो माने उद्दीपक आम इस्कन रो जीबीसी एवं आम भारत रे श्रीपाद लोकनाथ महाराज
जे सब व्यवस्था करिसंती सेमानंक पाखरे आमे माने सर्वदा चिर ऋणी हे रहिबा। कारण सेमानंक माध्यम रे जदियो आमे माने हरिनाम सबुदिन करुचु किंतु एई जे गुटे सप्ताह विशेष भाबरे आमे माने समस्ते खूब जाग्रत अवस्था रे एई हरिनाम महात्म्य श्रवण करबा को प्रस्तुत होइछु। विशेष करी आमर नेट माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे फेसबुक माध्यम रे सब जगह रे समस्त भक्त वृंदा एई नामर महात्म्य वर्णना करी चली चंती। जहा एई जे करुणा आम मन को एक भाग्य रे परिणत करैछि। कारण सेतेबेले समस्ते मंदिर को जाई थांते ए मंदिर रे बसी कीर्तन श्रवण करिथांते किंतु आजि समस्ते गृह गृह रे बसी श्रवण करुचंते। तेणु समस्तंको भक्तवृंद मातृवृंद एवं जो माने आमर इस्कन सहित जड़ित जो माने भी श्रवण करुचंते समस्तंको आमे शुभेच्छा एवं स्वागत ज्ञापन करुछु। तो आज श्लोक अति गुरुत्वपूर्ण श्लोक दिया जाय छी। विशेष करी अनुवाद रे वर्णना कर जे जदि कई किछि बुझिबा सक्त्रे नताई भी मध्य जदि भगवान कर नाम उच्चारण कर दिए ताहले से महान विपदरु मध्य उद्धारित हुए। कारण नाम करथुवा समय रे भय मध्य दूरीभूत हे रहि जानती। तेणु आमर अनुवाद भावार्थ रे शिल प्रभुपाद आहुरी सुंदर भाव रे सब किछि वर्णना करिसंती। जेपरी जते समस्ते निज को अहंकार रे आबद्ध करी निज को महान बोली मानिसंती एवं सेई मान को समस्तंको भगवान ही हत्या करिसंती। उदाहरण दैछंती रावण हिरण्यकशिपु कंस इवली भाव रे अहो बहु बहु असुर रही जो मैंने भगवान को मानते ना तो आम मैंने समस्ते ही मृत्युवरण करवा अर्थ कहार किछु काम करना समस्ते ही मृत्युवरण करे। किंतु कहा मृत्यु समय रे जदि कई अज्ञात सारे यही भगवान कर दिव्य नाम उच्चारण कर दिए ताहले से भगवान कर स्थान को बा भगवान कर जन्म मृत्यु चक्र उद्धारित हो बोली वर्णना करा छे। श्री कृष्ण कर दिव्य नाम अवस्थ चक्र रे पड़ी बा दुर्घटना रे पड़ी अज्ञात सार रे उच्चारण कले सुद्धा ताहा व्यक्ति को जन्म मृत्यु चक्र रे उद्धार करे। तो एथु आमे बुझी पारु छु जे नाम रो केते प्रभाव रही छे नाम रो केते शक्ति रही छे। तेनो आमे माने से विषय आज जत पर नास्ती चेष्टा करिबा। कारण ए नाम प्रचार करिबा बा नाम समुद्रे वर्णना करिबा आमर सहित योग्यता नाई। किंतु जेहेतु ए सप्ताह व्यापी आमको कीर्तन करिया पई मंदिर अध्यक्ष उपदेश प्रदान करिसंती तेणु आमे किछि वर्णना करूछु। तेणु आपण मानंकर आशीर्वाद मंदिर विग्रह शिल प्रभुपाद आशीर्वाद कामना करी किछि आमे वक्तव्य रखिबा एवं सुंदर कथा इथिरे रहिछि ए नाम महात्म्य किपरि रहिछि। तो आमे माने देखुछु अहं भक्त पराधीन ये स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्विग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जनप्रिय। भगवान सर्वदा ही कहिछंती अहं भक्त पराधीन मु भक्त पाखरे पराधीन मोर भक्त स्वाधीन। तेणु भक्त सर्वदा भगवान कर दिव्य नाम उच्चारण करिया पाए कीर्तन करिया पाए जप करिया पाए सर्वदा ही व्याकुलित थाय एवं भगवान ता पाखरे आसी निम्नगामी हो जाती नहीं। भगवान से कहते मनमना भव मद भक्त मज्जी मन नमस्कार मामे वशि सत्यंते प्रति जानिमे प्रिय असीमे। तो भगवान से कहते मु झुंकी पड़े मु समस्त किसी अपराध को ग्रहण करनी। तो भगवान होती कृपा माया
एवं भगवान सेतिपाई एठार वर्णना दिया भयात भयम जे समस्ते किपरि भय करुछंती मत भयात्वादि बातो अयं सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दैत्य अग्निर मृत्युश्चरति मदभयात सब भय बिले वर्णना करा जाउची समस्ते भयभीत ही कार्य संपादन करुछंती मत भयात मत भय मोर भय रे वायु प्रभावित होउची सूर्य ताप प्रदान करुची इंद्र वर्षा वर्षण करुछंती अग्नि दहन शक्ति प्रदान करुछंती एवं मृत्यु मोर भय रे से पश्चात धावन करुछी नहीं मोर भय जे जो माने भक्त से मानक पाखरे मृत्यु किछि करि पारे ना से थे उदाहरण दिया जाए ध्रुव महाराज जेते बेले स्वधाम को गति करुछंती तांक लोक ध्रुव लोक को गति करुछंती ध्रुव महाराज तांक कहले मोरे विमान को चढ़िया पाए एठारे पांच नहीं तेणु तुम्हें नई पड़ मु तुम उपरे पाद रखी मो पहाचर रे पहाचर उपरे मु विमान को गति करी एवं मृत्यु संगे संगे सेठारे नतमस्तक हो जाइले एवं ध्रुव महाराज तांक मस्तक रे पाद दे से विमान रे चढ़ीले गति करीले विमान रे तेणु मृत्यु मध्य भी भयभीत हो जाए जने जदि भक्त भगवान दिव्य नाम ग्रहण करुथाय तो मृत्यु ताकू आसे ना तेणु से विषय सब किसी आलोचना हम आम ताकू वर्णना करवा तेणु आम मान भगवान सहित किपर संबंध आम जोड़ा से विषय आम मैंने आलोचना करपरी गोटे पिला छोट पाटी गोटे गुड़ी उड़ी गुड़ी उड़ू उपरे किंतु आम जापना गुड़ीटी किपर उड़ू कारण जीजे सूता मध्यम गुड़ीटी बंधाई ता आम मान को देखा जाए ना तेनाली आम केवल जापर जे गोटे गुड़ी उड़ू किंतु ताको उड़ेवाई एक बालक कौन करुची तार जो सूता गोड़ेवा रखी से अनुसार से गुड़ीटा को छाड़ू एवं गुड़ौ किंतु ताकू जदि कहीं विरोध करते कौन हो ना से गुड़ी एवं सूतार संबंध टी काटि जाउची एवं गुड़ीटी अन्य जगह कुआडे चले जाउची ठीक से ही पड़े जदि आम भगवान संबंधित रु आम दूरे जावा ताले आम भगवान पाकु जाई पारिबानी तेणु से ही भाया आम मैंने सर्वदा तांक सहित संबंधित ही रहिबा आम मानकर उचित तो आम मैंने किपरि संबंध रे सर्वदा रहिबा तद नाम कीर्तनम तक भगवान कर नाम सर्वदा ही कीर्तन करिबा भगवत सेवा करिबा ताले में भगवान को सहित युक्त होकर रहिथिबा आम मैंने संयुक्त होकर रहिथिबा तेणु आम मैंने भगवान कर जो नाम रही जे भगवान कर नाम होची भगवान को ठारो बेशी दयालु भगवान जेपरी कृपामय तांकरी नामटी तांकठारु आहुरी दयामय तेणु से आम वर्णना करवा महाभारत एक उदाहरण दवा महाभारत अक्षय पात्र विषय वर्णना कर दि जा द्रौपदी पाखे एक अक्षय पात्र से प्राप्त होते तार प्राधान्य से अक्षय पात्र जिते पर्यत परेषण कर सेते पर्यंत सेते खाद्य ही बाहर थी किंतु जेतेबेले द्रौपदी निजे भक्षण करिबे एवं पात्रटी धोई देवे से पात्र तो आउ खाद्य बाहर नाही ते कुचक्री के थिले ना दुर्योधन ते दुर्योधन दुर्वासा मुनि को खूब आप्याहित करेले तो दुर्वासा मुनि कहले तुमर कौन बर प्रार्थना चाहछ ना मु केवल आपन को पाखरु चाहूँची युधिष्ठिर महाराज जो जंगल रही आपन तांको पाखकु जिबे एवं जिबे केते बेले ना सेमानकर भोजन अंतरे
एवं तांकुआर पाखरो जाए आतिथ्य ग्रहण करिवे। तेणु जेहेतु द्रौपदी पाखरे जो पात्र टी अच्छी द्रौपदी जदि से पात्र खाई सारी धोई देथिबे ताले सेतुरु आउ कौनसी प्रकारे खाद्य बाहरिबा नाही, जहाँ फळरे युधिष्ठिर महाराज आपणंकु आतिथ्य प्रदान करि पारिबे नाही एवं आपणंकर अभिशापरे से माने ध्वंस हेबे। तो कुट चक्री तनु किंतु भगवान अहं भक्त पराधीन सहित आम प्रथम से श्लोक उच्चारण करूँ जे भगवान किभली तांकर भक्त मानक सुरक्षा दियंती। सही समय रे युधिष्ठिर महाराज पाखरे दुर्वासा मुनि केते जन वर्णना करुछंदे 60,000 तांकर शिष्य, केते जागर वर्णना होची 10,000 शिष्य। जाबियो इते जन शिष्य जे माने 5 जन मात्र से माने अवस्थान करुथले, 5 पति एवं द्रौपदी। किंतु एठारे जदि 60,000 आसंतु 10,000 व्यासंतु, किंतु से आसीबा समय रे जेतेले दुर्वासा मुनि आसी पहुंचंती युधिष्ठिर महाराज कौन करचंती तंगु स्वागत संबंधना करचंती एवं तंगु आतिथ्य प्रदान करिया पाए तंगु जेतेले स्वागत करचंती एवं से कहचंती युधिष्ठिर महाराज महाराज आपण स्नान करि आसंतु एवं अमर आतिथ्य ग्रहण करिवे। तेन दुर्वासा मुनि तांकर जते परिमाणर शिष्य आनिथिले समस्तंकु सेई पाख नदी रे गले स्नान करिया पई। एही समय रे युधिष्ठिर महाराज द्रौपदींकु कहिले जे दुर्वासा मुनि तांकर बहु शिष्य ने आछंती अमर आतिथ्य ग्रहण करिया पई, तेन तांकु आतिथ्य दवा अमर कर्तव्य, तेन तांक पई प्रस्तुत हो। तेन द्रौपदी कहिले नाही वर्तमान आ संभव हेई पारिबो नाही, काहे कि ना मु ता भक्षण कर सारी एवं पात्र मुई तो युधिष्ठिर कहले वर्तमान आम कौन करवा आम तर अभिशाप ध्वंस होगा। तेना द्रौपदी कहले मु वर्तमान कौन करी मो पाखे कौन अच्छी, से द्रौपदी केवल भगवान नाम कले नाम नामी अभिन्न, किंतु नाम भगवान नाम इटारु आहरी तांकर नाम टे केते कृपा एटी वर्णना करा जाउछि। जेतेले द्रौपदी देवी भगवान को स्मरण कले तांकर नाम कले एवं भगवान संगे संगे आसी तांकर पाखरे पहुँची गले। नाम मात्रे कृष्ण नाम नाम मात्रे एवं संगे संगे आसी कृष्ण कहुछंती द्रौपदी मो बहुत क्षुधार्त मते तुम्हें भोजन दिया। द्रौपदी कहले आमे एक विपद अवस्था पड़ीचु, तेणु द्रौपदी तांकर समस्त वर्णना करुछंती, किंतु कृष्ण कहुछंती मु बहुत क्षुधार्त मते आगे खाया पाए दिया। द्रौपदी कहुछंती मो पात्र धोई देछि, ते भगवान कहुछंती से पात्र टी नै आस मो पाखु देख सेतरे कौन लागिछि ना मु भलो करी धोई देछि, किंतु देखा गला सेथिरे सागर कणिका मात्र लगिता। पत्रं पुष्पं फलम तयम पत्र से प्रदान करे किए ना द्रौपदी नहीं, तेणु से शाग टिके जिते से लगिता भगवान से टिक को नहीं भोजन कले एवं कहले कि सुस्वादु खाद्य मु ग्रहण कली मु सेवन कली एवं मोर उदर वर्तमान भर्ती हो जाए जगत तुष्टम। भगवान जिते तुष्ट हो जाती जगत तुष्ट हो जाए। तेणु संगे संगे दुर्वासा मुनि एवं तांकर जिते शिष्य थिले समस्त सेठारे जे स्नान करुथिले से माने हृदयंगम करिपाले जे आमे जेपरी बहु बहु किछि सुस्वादु खाद्य आमे भक्षण करि पकिछु, तेणु आमर हृदय वर्तमान आमर उदर रे गोटे स्थान मध्ये नाही आमर किछि खाद्य ग्रहण करिया पई। जेतेले भगवान संतुष्ट हो गले सेतेले युधिष्ठिर महाराज को कहले जे भीम को प्रेरण कर से दुर्वासा मुनि को आमंत्रण कर आणवे पाई सब किछि प्रस्तुत हो जाए। तो भीम जाऊथिबा पूर्वर दुर्वासा मुनि बहुत दूर देखिले जेते भीम आसचंती सेतेले तांकर समस्त शिष्य मान कहले आमे वर्तमान कौन करवा आम मान पाखे गोटे गोटे अन्न मध्य भक्षण करार पेटर जगह नाई,
तेणु भीम आमको निमंत्रण करने जदि आम रक्षा न करवा विपद हो चल स्थान परित्याग कर पड़ेबा तेणु संगे संगे से स्थान त्याग कर चलीगले तेणु भगवान किपर तर नाम मध्यम समस्त को उद्धार कर नहीं भगवान कौटी थे देखु भगवान रही द्वारकारे से मैंने काम्य बन कौ बन से वितरण करूँच भगवान जमती द्रौपदी तक स्मरण कर संगे संगे भगवान आसी पहुँची जा तेणु ये आम जानवा जे स्मरण कला मात्र भगवान आम समस्त किसी दायित्व वहन कर अनन्य चिंतित मंग जेजना पज्जुपाशते तेषां नित्य विजुक्त नाम योगक्षम वहामि हम जदिओ भगवान आम को सबकि आमर जहाँ कि संपत्ति अच्छी भगवान ताको भी सुरक्षा प्रदान करुछंती भगवान केते कृपामय तेनाली वर्णना कराऊे आम मैने दान धर्म युव करवा कड़े जावाई आम को पड़ा ना नाम स्वतंत्र दान करवा दरकार ना धर्म करवा दरकार ना नाम कले से स्थान समस्त तीर्थ ही परिणत हो जाए नाम मध्यम जदि आम एक स्थान बस नाम करवा तीर्थ स्थान हो जाए प्रभुपाद से कहते जहाँ जाए आम मंदिर रही वृंदावन जो भी द्वादश तुलसी रही जो भी भगवान पूजा अर्चना होता वृंदावन तेणु आम मैंने जो भी नाम करवा से वृंदावन से कहते दान धर्म तीर्थ स्थान कड़े जावा दरकार ना जदि आम केवल नाम करवा सब आठारे उपस्थित हो जाए जेपरी वर्णना कराऊ एक लक्ष टंका भितरे दस टंका अच्छी शहे टंका अच्छी हजार टंका अच्छी दस हजार टंका अच्छी बहु टंका ता भीतर अच्छी से परे जदि आम एकमात्र नाम करवा ताले समस्त तीर्थ स्थान आमर भ्रमण हो जाए समस्त दान हो जाए समस्त धर्म आम स्थापन सर्व धर्म परित्यज मामे एकम शरण व्रज जदि नाम आम करवा तेनाली स्कंद पुराण रे वर्णना दि जाऊँगी द्वापर महात्म्य प्रह्लाद उवाच कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्ण कोलो बक्यो शक्ति प्रत्य नित्य यज्ञ यति पुण्यम तीर्थ कोटि समोद्भवम कृष्ण 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 इति जदि तीन थर मात्र नाम करवा प्रत्येक दिन जदि तीन थर नाम करवा ताले कहते समस्त यज्ञ जहाँ किसी धर्म पुण्य एवं समस्त तीर्थ एक सारे आसी उपस्थित हो जाती आम को स्वतंत्र भाव किसी करने पड़वनी केवल तीन थर मात्र नाम करने कहते तेणु जो मैंने प्रत्येक दिन 25,000 माला कर 25,000 नाम कर केते थर प्रत्येक थर कृष्ण नाम उच्चारण करुचंती पाखे सबकि अवस्थान कर रही कहते पद्म पुराण वर्णना करती जावंती भुवंती तीर्थानी जम्बू दीपे सर्वदा इतिहानी तत्र ईव विष्णु नाम सहस्रम जोठारे विष्णु नाम सहस्रवार कहा जाए से कौन कहते ना तीर्थानी जम्बुदीप भले समस्त तीर्थ समस्त आसी से उपस्थित हो जाऊँच सहस्राणी तो से आमर आम सर्वदा वर्णना करुचु सहस्र विष्णु नाम उच्चारण करवा जहा एक राम नाम उच्चारण करवा से तीन थर राम नाम उच्चारण करवा जहा एक कृष्ण नाम उच्चारण करवा से ताले जदि आम सर्वदा कृष्ण नाम उच्चारण करुचो ताले केते विष्णु केते सहस्र नाम विष्णु नाम आम प्रत्येक दिन उच्चारण करुचु तेणु से कह समस्त तीर्थ सबकिटार आसी उपस्थित हो जाती तेणु खाली तीर्थ नुह समस्त तीर्थ भूम तीर्थ जल मध्य आसी पहुँचे से कहते सेठे तत्र इव गंगा जमुना गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति जत्र नाम सहस्र नाम उच्चारणम्
तेणु से वर्णना करोठे सहस्र नाम उच्चारण करईठे गंगा जमुना गदावरी सरस्वती एवं सर्वानी तीर्थानी बसंती सर्व सर्व तीर्थ आसी सेठारे उपवेशन करुचंती जे केवल आप जदि विष्णु सहस्र नाम उच्चारण करुछु तेणु जो जो मैंने कृष्ण नाम करुचंती गृही माने गृह बस नाम उच्चारण करुचंती तेणु सेठाई क्षेत्र से सर्वस्थान सेठारे सब नद नदी समस्त बास तीर्थ स्थान आसी सेठारे उपस्थित हो जाउचंती सेथिपाई आमर ब्रह्म संगीता आमर कौन कह भक्ति रसामृत सिंधुरे कहुची नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिन तो नाम नामी अभिन्न इस विषय वर्णना करेणु जदि नाम करवा आम मैने ताले आमर के प्राधान्यता आम प्राप्त हो जाए भगवान से वर्णना करे मु स्वयं प्रतिष्ठित हवा अपेक्षा मोर नाम टी आहुरी शक्तिशाली से नाम वर्णना करा नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणम एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमेश्वरमि राजनामम जे नाम नाम कारी बहुधा निज शक्ति तत्रार्पित जे भगवान करे दिव्य नाम केते शक्ति रही तेणु आम मैंने उदाहरण दूचु रामायण शबरी जिते से मातंग ऋषि सानिध्य लाभ करितले शबरी थिले एक कन्या एवं तांकर विवाह उत्सव जिते पालन करा जाउछि से देखिले से विवाह कार्य संपादन करने पर बहु छागल छेली मेंढा एगुड़ी को बंधाई से पचारे एगुड़ी कौन पर बंधाई ना तर विवाह कार्यर उत्सव पाई एगुड़ी बंधाई से कहले गोटे जनक केते जीवन नष्ट करा जाउछि तेणु से समस्त अलक्ष्य लुकायत हिसाब से गृहत्याग कर से जंगल को पड़ेगले एवं जंगल को जाए से मातंग ऋषि सानिध्य लाभ कले जेहेतु मातंग ऋषि प्रचुर सेवा कले पाखर प्रचुर भगवत नाम भगवान गुण ये सब किसी से श्रवण करुले सेवा करुले मातंग ऋषि जीवा समय एक उपदेश देगले हे शबरी तुम्हें यही अवस्थान कर एवं तुमर से भक्ति तुमर से नाम माध्यम रे से रामचंद्र तुम पाक आसी जिवे तो शबरी गुरुंकर आदेश अनुसार से जंगल रे अवस्थान करी प्रत्येक दिन से गृहाभिमुखे रास्ता को से पुष्पर सज्जित कर एवं दिव्य नाम राम नाम उच्चारण करुचंती किंतु से राम को खोजियापाई जंगल भितर कुआडे गति करी केवल गोटे जगार दंडायमान तो नाम प्राधान्यता केते रही देखते नाम नामी अभिन्न किंतु नाम केते शक्ति रही नाम कीर्तन नाम जप करुवा समय रामचंद्र आसी पहुंची जाउचंती खाली वर्ष 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 से नाम करिसेंती एवं रास्ता को सजेइसेंती तेले मात्र निरुत्साहित हो नाहंती भगवान आसीबे कारण मोर गुरुदेव कही दे जाइसेंती रामचंद्र आसी मते साक्षात करिवे एवं सही रामचंद्र को उपरे तांकर भरोसा रहितला एवं नाम उपरे तांकर भरोसा थिला बाध्य पड़ी रामचंद्र तांको आसिले दर्शन देले सेइटी देखिवा रामचंद्र आसी देखा दौंती शबरी को किंतु रामचंद्र को देखा करिया पाई आसिले के सुपर्णरेखा एवं तांको कहले मत आपन विवाह करंतु फलरे कौन हला तांकर नाक कान काटि दिया गला तांको असुंदर कर दिया गला नहीं किंतु जने नाम करुचंती तांको भगवान स्वयं जाई तांको दर्शन करुचंती ताले इतरे अनुमान करंतु नाम रखते प्राधान्यता रही तेणु से राम
राम राम नाम खाली उच्चारण करुथले केशवरी तेणु रामचंद्र तांक पाखु चली गले एवं सुपर्णरेखा तांक पाखु आसी पहुंचले किन तांकर नाक कान काटि दिया गला से गले रामचंद्र को दर्शन कले ताले नाम नामी अभिन्न हेतले भी नाम शक्ति केते रहिछे देखंतु तो सही भले कह जाऊछि जटायु जटायु पक्षी वृद्ध हो जाते एवं जेतबेले रावण आसे सीता हरण कर नहीं जाउचंती विमान रे से जटायु पक्षी जेतबेले तांकु देखिचंती से कौन करचंती तांकु सहित युद्ध करचंती तांको पाखरे कौनसी अस्त्र नाही तांकर सही गोड़ माध्यम रे तांकर डेणा माध्यम रे से सर्वदा रावण को आघात देचंती एवं शेषरे रावण कौन करिसंती तांकर खंडारे तांकर डेणा गुड़ी को काटी देचंती जेतले काटी देचंती से राम नाम उच्चारण करी तले पतित होइचंती एवं राम नाम उच्चारण करुचंती मृत्यु वरण करुनांती सेथै मृत्यु भय करे जे नाम करे मृत्यु आसन ता पाख को मृत्यु आसी परने तार पक्ष नाही काटी देछंती रावण काटी देछे तांकर पक्ष किंतु से राम नाम उच्चारण करुछंती एवं रामचंद्र जेतले सीतांकु खोजछंती मातांकु खोजछंती आसी जने राम राम उच्चारण करुछंती सेतले जाई देखिले सेई जटाई पक्षी कहउछंती जे मु देखिछि रावण सीता मातांकु से अपहरण करि नै जाउथला एवं मु तां सहित युद्ध करियार मोर फल या पाइछि तेणु रामचंद्र तांकु कहिले तुम पाखरे अस्त्र नाइ तुम्हें युद्ध करुथल काहेकि तुम्हें संगे संगे मो पाखु गुड़ी आसिलनि एवं मते कहि दिथांत जे मु देखिली रावण सीतांकु हरण करि नै जाउछंती एवं मु संगे संगे जाय तां सहित युद्ध करितांती तो सेठी सेठी में उदाहरण दिया गला जे सुपर्णरेखा आसिले तांको कहले मते विवाह कर तांको नाक कान काटि दिया गला तेणु से सेठी कहचंती जे मु जाइथिले मोर कोन अवस्था हेथंता तेणु मो नाम एवं सेवा को आश्रय करथिबा हेतु वर्तमान आपण मो पाखरे आसी पहुंचंती एवं मु आपण को वर्तमान दर्शन करूची एवं मु मोर शरीर त्याग करुछि तेणु जत रामचंद्र से स्पर्श प्राप्त होती से समय जो से देह त्याग करें जानवा से आत्माटी कड़े जीवे आत्माटी भगवत धाम चलीगले तो केते उन्नत स्तर को चलीगले पक्षी कूल गोटे जन्मग्रहण करते त्रिजोनी किंतु से महजोनी परिणत हो गले महत भक्त रे परिणत हो गले एवं कौन कले रामचंद्र तांकर अंतिष्ट क्रिया कले सेठी वर्णना दिया जदियो रामचंद्र स्वयं रही से दशरथंकर मृत्यु रे से गले कि अंतिष्ट क्रिया करी किंतु एठारे से जटायुंकर अंतिष्ट क्रिया करी कि ना नाम करी एवं तांकर सेवा करचंती नाम रज एवं सर्वदा आमे नाम करिबा एवं तांकर सेवा करिबा होचे एकमात्र आमनकर कर्तव्य सेथिपाय से उदाहरण दउचंती जे आमे केवल तांकर नाम करि परिबा तेणु आमे देखुचे तांकर सौभाग्य कोन केतरी प्राप्त होला दशरथंकर से सौभाग्य प्राप्त होलानी किंतु जटायु से सौभाग्य प्राप्त हे गेले से संगे संगे ताहले एटी से कोन करथले ना भगवान को पाई सेवा कले एवं भगवान कर नाम करते नाम ही के शक्तिशाली भगवान तांको पाखे आसी पहुंची गले से कहतेपरी से नाम राम राम नाम करते के अंतर भितरे माता अहल्या अहल्या देवी जेतेबेले से अभिशप्त होते गौतम ऋषि द्वारा से पथर हो जाते स्मरण करुले से राम से कही रामचंद्र आसवे एवं तुम तुमको जो पदस्पर्श करे तुम्हें तुम प्रकृत रूप फेरी पाइब रामचंद्र केवे आसवे
तेणु अहल्या देखते रामचंद्र कौन कौ पथर को पाद दौन कि खाली पादर चलु थे रामचंद्र तांकर कठो नथिला से खाली पादर चलु थे किंतु खाली पादर चलु थे कौन पथर बाजुला तांग दरे किंतु कौ पथर तो कहीं नारी जानते अहल्या कहीं नारी होगले से पथर को जमी स्पर्श कले से कहीं नारी होगले कारण अहल्या स्मरण करुले राम नाम स्मरण करुले से प्रकृत रूप फेरी पाइले से तेणु जेहेतु से राम नाम उच्च राम स्मरण करेणु रामचंद्र पाख आसी पहुँचीगले आउ गोटे देखा देखु से राम नाम मध्यम रामचंद्र से विश्वामित्र ऋषि कृपा मध्यम ये सब किसी करुंत जनकपुरी सीतांर स्वयंवर सेवा को नहीं जाठार बहु बहु शक्तिशाली राजकुमार उपवेशन करनु उत्तोलन करे धनु गुण चढ़ेबे धनु भंग करे सीता बहुत करे किंतु जेते राजपुत्र बसते कई पारे ना कहीं केवल एकमात्र दोष थिला से माने सब अहंकार रे भर्ती रही अहंकार यदि अहंकार आसीब मन भितरे मु सर्वशक्तिमान मु सब किछि करि पारिबे किंतु प्रकृत आम किछि करि पारिबा ना किंतु रामचंद्र आसिले एवं से शिवधन उत्तोलन कले एवं भग्न कले एवं कहां को प्राप्त हेले सीता देवी भक्ति तेणु आम जो अहंकार शून्य होते भक्ति प्राप्त हो पारिबा नाम ग्रहण करिया तेणु गत काली आम नाम अपराध सम्बन्ध सब किसी वर्णना करूलु तेणु नाम ग्रहण करवा समय अहंकार शून्य अपराध शून्य एवं सर्वदा दैन्य भाव तृणाद विभाग सुनिश्चन तरुरी व सहिष्णु भाव यही लक्ष्य आम नाम कर भगवान आम पाखे आसी पहुँचे से कहते राम नाम राम नाम को जो बटे भी कही पार कृष्ण नाम को जहाँ भी कही पार कहीं भगवान देखते से नाम से सब वाल्मीकि एते पापी थिले से दस्यु रत्नाकर राम नाम उच्चारण कर पारे ना एते पाप जे कर आम जड़ जगत रे भी देखा जाऊँ एबे मध्य भी देखा जाए जो मैंने अति पाप से कृष्ण नाम उच्चारण कर पारते ना राम नाम उच्चारण कर पारते ना तेणु जिते बड़े नारद मुनि आसे साक्षात कले कहले तुम्हें राम नाम उच्चारण कर किंतु से राम नाम उच्चारण कर पारे ना तो राम नाम करी मोरा नाम उच्चारण कले से मोरा 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 माने राम को उच्चारण करवा नामटा उल्टा हो गला किंतु तथापि राम कृपा प्रार्थना पाईगले से वाल्मीकि हेगले से केते महान ऋषि हेगले केवल अन्य नाम करुथले से तेणु से कहुचे जे उच्चार करंतु ना कहीं जदि आम से भगवान प्रति आम ध्यान रही थे नाट उच्चारण कर पारू आम जहाँ भी करुचुना कहीं उद्देश्य करुवा तेल ता समाधान हो तेणु कृष्ण नाम के कृष्ण 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 तो कृष्ण भी कही पारते ना किंतु भगवान प्रति एत कृपा करमुहूर्त से सुंदर कृष्ण नाम उच्चारण करेणु आ गए देखा जमती ए नाम मध्यम किए रामचंद्र जिते बड़े लंका को जाते विभीषण आसी पहुँची थे एवं विभीषण आसुवा समय सुग्रीव एवं अन्य बानर सेना माने पाखरे विरोध कले जे ये हूँ आम शत्रु तेणु सी किपर शत्रु न हो तेणु रामचंद्र कहले जे मो पाखे शरणापन्न हुए सी मोर अति प्रिय हो जाए
मांग नमस्कुरु। तेणु विभीषण कौन कले आसी केवल नतमस्तक कले केवल रामचंद्र पाखे प्रणाम कले एवं से सर्वदा राम नाम उच्चारण करुले। आपण मैंने रामायण पाठ कर देखुवे जितेबले हनुमान जाते से राम नाम उच्चारण करुवा एक व्यक्ति को दर्शन करते जी कि से ही विभीषण से ही लंका पुणी जड़े राम नाम उच्चारण कर तो से ही राम नाम उच्चारण करेतु से राम नाम सर्वदा उच्चारण करुवा हेतु आज से रामचंद्र पाखे आसी उपस्थित है जिते से शरणापन्न हो गले संगे संगे रामचंद्र लक्ष्मण को कहले जाओ समुद्र पाणी आनी अभिषेक कर दियो एवं कहीदेले लंकेश तो बानर माने कहले जे से होचंति कुटचक्री किंतु आपण जमी शरणापन्न हो गला आपन कहले लंकेश आप लंका दे दौरान कि लंकार तो रावण अच्छा राजा जदि लंका जदि आप लंका प्रदान करदे एवं लंकाधिपति जदि रावण से आपण पाखे शरणापन्न हो आप कौन देवे तो रामचंद्र कहले मुझे अयोध्या देदेवी तो से कहले अयोध्या तो आप राम महा भरत को देखते तेणु भरत को कौटे स्थान देवे से कहले मुझे बैकुंठ स्थान देदेवी ना जदि बैकुंठ भरत को स्थान देदेवे आप स्थान रे आप स्थान कौटी तेनाली तो से कहले मु हनुमान हृदय रही कहीं हनुमान सर्वदा ही राम नाम कर राम नाम करुवा हेतु नाम के प्राधान्यता रही से वर्णना करवल नाम से आम मान वर्णना दी बिल्वमंगल ठाकुर बिल्वमंगल कहते जे एक सुंदर भाव बिल्वमंगल वंदना करके से कहते मुझे करें कौन करें संध्या वंदना स्नान भोदेव पितृश्राद्ध नहं करिष्यामि तो युड़ आपण माने अन्य भाव नेबेना जिते आम मैंने जड़ जगत रही आम बहुत किसी करुचु किंतु बिल्वमंगल कौन कहले जे मु एगुड़िकारिनी कहीं कहले देखते से कहते संध्या वंदना त्रिसंध्या आमको कर पड़े ना जो मैंने सब गुरु ग्रहण कर गायत्री दीक्षा नहीं त्रिसंध्या नाम जप करे पुणी समय दरकार अच्छी ना कौ समय जप करवा केतटा समय है चिंता करवा एवं से समय आवश्यकता रही स्नान करवा स्नान द्रव्य रे स्नान बहुत किसी स्नान महात्म्य रही कौटी नदी जीवी कौटी पोखरी जीवि कौ द्रव्य रे स्नान करी एवं कौ देवादेवी को पूजा करी एवं कौ समय पितृश्राद्ध देवी तेणु सी कहते क्षमा कर जेहेतु मोर क्षमता नहीं एसब करवा विधेय मात्र मो जिह्वा कृष्ण नाम छाड़ू ना मुझे मोर जिह्वाटी सर्वदा ही कृष्ण नाम उच्चारण करुची तेणु मुझे एगुड़ी ढूंढी मुगुड़ी कौटे पाइबा चेष्टा करी ताले मोर ए नाम जीवा करना किंतु जीवा छाड़ूनी सब कृष्ण नाम उच्चारण करुची तेणु से कहते संध्या स्नान कौ देवादेवी पितृश्राद्ध एसबू को मोर मु सक्षम नाई केवल एकमात्र मोर कर्तव्य हो सब भगवान दिव्य नाम तो आगर आम वर्णना दे नाम मध्यम तीर्थ स्नान सबकि समाधान हो पारे तेणु ये से कहते जे महाप्रभु से कहले जिते भी आम भोजन करुचु आमर जिह्वाटी नृत्य करते कि आम मन भितर भगवान नाम करपरवापर हरिदास ठाकुर मन भितर नाम करुले तो आपण भी करें नाम एवं महाप्रभु से कहले
এই খাদ্য যেতলে আমি যেতলে প্রসাদ সেবন করুছু এ জিহ্বাটি সর্বদা কার্যক্রম করুছি তা ভিতরে সেইথিপাই মহাপ্রভু কইছন্তি প্রসাদর গুটে গুন্ডা সমরে যেতলে গুটে গুন্ডা আপন গেলুছন্তি আউ গুটে গুন্টে গুন্ডা যেতলে গ্রহণ করুছন্তি তা পূর্বরু হরে কৃষ্ণ বা হরি হরি বলি উচ্চারণ করি প্রসাদ সেবন করন্তু তেণু সেইথিপাই সে কইছন্তি দেখন্তু মোর এসব পাই মোর সময় নাই केवल सर्वदा ही मु नाम करुची जीवा सर्वदा कीर्तनीय सदा हरि सर्वदा कीर्तन करुची एवं आमे माने विभिन्न प्रकार मंत्र उच्चारण करुचु हम सेथिय उदाहरण देली आपन ओलोटा कहंतु सोलोटा कहंतु जहां भी कले भगवान कृपा करिवे एटी भगवान आपनकर किछि विरुद्धाचरण करिवे ना हेथिय उदाहरण दिया जाउची हां ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରହିଛି ବୃତାଶ୍ୱର ପ୍ରଖ୍ୟାନ ବୃତାଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକର ନା ତୁଷ୍ଟ୍ୱାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ଥିଲେ ଦେବକୁଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଅସୁରକୁଳ ତେଣୁ ସେ ଲୁକାୟିତ ହିସାବରେ ଅସୁରକୁଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ଏକଦମ ପୁରା ତ ସେତେବେଳେ ତୁଷ୍ଟ୍ୱା ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବଧ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ହି ବଧ କଲେ ବୃତାସୁରଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ନାମ ଆପଣ ଭୁଲରେ କହିପାରନ୍ତି ଯେମିତି କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଦାପି ଆପଣ ତାର ବିପରୀତ କିଛି ଆସିବ ନା ଏମିତି ଏତେ ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ବୃତାସୁର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ବାଲ୍ମୀକି ମରା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ ସହଜ ପନ୍ଥା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ହରିନାମ କେବଳମ କେବଳ ହରିନାମ କରିବା ନାମ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାମ ବିନା କଲି କଲେ ନାହିଁ ଆର ଧର୍ମ ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସାର ନାମ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମ କୌଣସି ଆଉ ଧର୍ମ ନାହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାମ ବିନା କଲି କଲେ ନାହିଁ ଆର ଧର୍ମ ତେଣୁ କଲି କଲେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏସବୁ ଆମେ କାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛୁ ତ ଖାଲି ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଖାଲି ଯଦି ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରତୀ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜାଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବେ ନା କାରଣ ସିଏ ସିଧା ଭଗବାନ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବେ ଯଦି କେହି ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ହା ମୁଁ କରିବି ହ କରିବି ହ କରିବି ହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବି ତେଣୁ ନାମର କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଯଦି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନଉଛି ମୋତେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କିଏ ଡାକୁଛି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ରାମ ହେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତିକି ଦିନ ରହୁଥିବ ମାସେ ଦୁଇ ମାସର ଛୁଟିଆ ପିଲାଟା କେତେ ଛୋଟ
किंतु जेतेबेले से खाली टिके क्रमण करि परच करूची सेतेले सेई केते तांकर पिता बा तांकर मा केता ठारु केते बड़ से माने केते उर्दो केते विराट किंतु संगे संगे से माने दौड़ी आसचंती एवं कोळेई नचंती खाली नाम से तो नाम डाकी पारने खाले माने क्रंदन कर छे सेईटाई से माने जानी पार चंती सेई क्रंदन टाई से हमको बापा बा मां को बोल के हम डाकु छे से तन भगवान कर एई भली तांकर नाम रो प्राधान्यता रही छे सेथिबाई कहौ छे आमे यदि सर्वदा सेई भगवान को स्मरण करिवा भगवान कर दिव्य नाम नवा तले भगवान कदापि गोलोक वृंदावन अवस्थान करि पारिबे नाही जे नाम करुची अहं भक्त पराधीन मो सर्वदाई भक्त पाखरे अवस्थान करिवी तेणु भगवान चाली आसचंती तांकर तांकर भूमि छाड़ी तांकर धाम छाड़ी भक्तों पाखु चाली आसचंती एथे उदाहरण दिया जाए जेतेले हरिदास ठाकुर नाम करुतिले जवन कुळरे से जन्म हेतिले एवं सर्वदाई ए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करुथले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 उच्चारण करुथले तेणु से हरिदास ठाकुर को जवान रो जो माने सब थिले नवाब काजी से माने ता प्रति तांको कहिथले जे तुमे नाम छाड़ो हिंदू धर्म नाम काई के करुछ तुमे कलाम पाठ करो तुम्हें आमर कुरान पाठ करो अल्लाह नाम उच्चारण करो तुम्हें कृष्ण नाम उच्चारण कहीं करुच तेणु सी से बुझे जे से कृष्ण से अल्लाह से जीशु ख्रीष्ट से गोटे नाम केवल भगवान ही एक नाम पार्थक्य रही गोटे से ही भगवान ही केवल रही किंतु जेतेले तांको के संभाली पाले नाही बुझेई पाले नाही तेणु तांको प्रहार करा जायतिला नाही जदि आमर से भली गोटे धारा आसीबा आमे वर्णना करिबा आज ए नाम उपरे वर्णना करा जाउछि जे नाम टि जदि केही आमे भूल बसत बा अन्य समय रे नाम नेउछु सेथिबाय उदाहरण दियाउछि आमे दुर्घटनाग्रस्त हेथिबा कोन हेथिबा जदि नाम ने त सेथिबाय सब आमे उदाहरण देलु जे पर देखंतु जटायु सबरी ये सब उदाहरण से दिगला जे नाम प्राधान्यता के देखते तेणु जिते बड़े हरिदास ठाकुर को प्रहार करा बाहर रो लोक माने दर्शन करी से माने चिंतित ही पड़चंती से माने से मुसलमान जो माने बारोचंती तांको से मानको जाई तांको कहउचंती आपण माने केते पैसा नेबे केते अर्थ नेबे तांको छाड़ी दियंतु आमे सब प्रदान करिबा किंतु से माने कदसी प्रकार सुनिले नाही तेणु प्रहार करुवा समय भगवान आ सह्य कर पारे ना तो भगवान कौन कले ना सुदर्शन चक्र पठेदे पाख जत सुदर्शन चक्र आसीगला से हरिदास सुदर्शन चक्र स्तुति करके ना ये कलीजुगर नामटा ही श्रेष्ठ रही नामटा ही श्रेष्ठ तेणु जत सुदर्शन चक्र चलीगले आ विष्णु निरूपा ही कौन कले आसी हरिदास पीठी पर शुई पड़े तो से माने जे प्रहार कले आ हरिदास पिठी पड़लानी से भगवान विष्णु पिठी ही माड़टा चाबुक गुड़ाक बसला प्रहार बसला देखो भक्तों पर भगवान प्रहार खाऊंटी से महाप्रभु नवासिया पूर्व घटना घटी एवं महाप्रभु जितेबले सचिमाता गृह अच्छा मायापुर अच्छा हरिदास ठाकुर गले दर्शन करने तले महाप्रभु बहुत बड़ हो जाती हरिदास ठाकुर छोट ए हरिदास ठाकुर बड़ महाप्रभु जो टे बड़ी किंतु हरिदास ठाकुर से बहुत छोट हरिदास बड़ हरिदास उठाई कहते हरिदास तुमको जो प्रहार कर सुदर्शन चक्र पठे थे तुम्हें फेरेदेल किंतु देख से सुदर्शन चक्र फेर पर तुम उपर शुपड़ी और समस्त प्रहार मत बाजिता से चा गोटे बहिर्वास घोड़ी से बहिर्वासटा काढ़ पिठी देखेदेले जो हरिदास ठाकुर देखले पीठ से चारिड़ चाबुक प्रहार पड़ी बेतराघात दाग रही भगवान ही से गुड़िक सब ग्रंथ नाम नाम ही अभिन्न नाम के प्राधान्यता रही जो सी नाम करते भगवान पीठी पर आस पड़ती तेणु से आम प्रत्येक क्षेत्र में नाम को छाड़ा ना खंड खंड हय जदि शरीर तबुओ न छाड़ी बदने हरिनाम
तुम्हें काटि काटि मोर खंड खंड कर दियो शरीर को तथापि मु बदन रु हरिनाम छाड़ी ना तो से भगवान को प्रति विश्वास थिला दृढ़ता थिला नाम प्रति दृढ़ता थिला नाम नाम अभिन्न से वर्णना कर जगत रेर किए बंधु बांधव पिता माता किए आम मान से परम बंधु से पिता माता श्रीकृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता जे श्रीकृष्ण चरण रे प्रेम प्रदान करी पारंती से ही हमर सब किसी से परम बंधु से पिता माता ते अन्य अन्य कई आमर बंधु नुहंती आमर पिता माता नुहंती सब जन्म तो आम पिता माता को आश्रय करके आसचु किंतु जो पिता माता आम को भगवान कर दिव्य नाम उच्चारण करने आम को प्ररोचन दौना उत्साहित करूना बा भगवान को सेवा करने आम को अनुमति प्रदान करूना से मैंने पिता माता बंधु बांधव कई नुहंती आमे सर्वदा से ही मानू के से ही होचन आम बंधु से ही होचन आम पिता से ही होचन आम माता जो मैंने आमको उत्साहित करचंती तुम्हें भगवान कर नाम कर भजन कर कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण ए कली युगरे कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन आम जदि संसार जीवन जापन करुचु ए संसार प्रति आम जो आसक्ति रही जहाँ किसी रही आम प्रकृत कृष्ण मंत्र उच्चारण करवा आम से उद्धारित होगा एवं कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण तेनाली आम कृष्ण नाम सर्वदा ही ग्रहण करवा ताले आम श्रीकृष्ण पाद पद्म आम प्राप्त हो पार तेणु आज आम से सब उदाहरण देल किपर नाम मध्यम समस्ते किपर प्राप्त होती किए रामचंद्र को प्राप्त होती किए कृष्ण को प्राप्त होती किए नृसिंहदेव को प्राप्त होती प्रहलाद महाराज केवल नाम मध्यम जिह्वा सर्वदा ही जिह्वा सर्वदा जिह्वारे कृष्ण नाम उच्चारण करंतु हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे तो अशेष अशेष धन्यवाद जो मैंने नेट रे जो मैंने ये कथा श्रवण करुचंती आमर अंतराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ब्रह्मपुर तरफ समस्त मध्यवान असंख्य धन्यवाद ज्ञापन करुवा सत्संग संगे विशेष मु मोर प्रार्थना करोटि से अंतराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघर जीबीसी वृंद को एवं जे कि एगुड़ी आज प्रदान करमर भारत रे लोकनाथ महाराज से मोटि कोटि प्रणाम कर द्वारा ही आज आम समस्ते ए नाम महात्म्य श्रवण करने सुजोग प्राप्त होणु आपण मान मोर अशेष अशेष धन्यवाद हरे कृष्ण आपण मानकर जदि किसी प्रश्न थाए आपण माने ए नेट माध्यम रे आपण माने प्रश्न पचारि परंती जदि आपण पचारिबे आम जेतेबेले सरीब आम जो दिन शेष हो से दिन आम माने सब प्रश्नर उत्तर प्रदान करिबा अशेष अशेष धन्यवाद हरे कृष्ण।